हाँ जी, तो वाइट रॉक आए, ये घर से 20 मिनट के फासले पे बीच है, तो मैं आप दिखाता हूँ। हाउ ओल्ड इज योर डॉग? फोर। हाँ जी, तो ये हम खड़े हैं पार्किंग में, यहाँ से व्यू आपको दिखा रहे हैं, पैसिफिक ओशन है, ये जो पियर की वॉकिंग ब्रिज ऑन वाटर की बात कर रहा था ये वो है, और देखें इस पे साइन भी लगा हुआ है। और इससे पहले एज यूजुअल कोई चीज़ मजाइया, समथिंग फनी। पहले पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियन थे ज़िया मोहिद्दीन साहब। ये कुछ डिटेल है ज़िया मोहिद्दीन के पास, चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर आगे चलिए। इंडो पाक के थे या पाकिस्तान के थे? राइटर थे, उनका नाम है शफीकुर रहमान, तंजो मिजाक है। ये कुछ डिटेल है शफीकुर रहमान साहब की, तो पॉज करके पढ़िए या आगे चलिए। शफीकुर रहमान की किताबें थी हिमाकतें और मजीद हिमाकतें, तो उनमें से उन्होंने किसी कैरेक्टर के थ्रू ये मोनोलॉग लिखा था कि स्पीच कर रहा होता है, या ज़ियाउद्दीन साहब का था। वो था ये कि औरतों की अगर दुम होती तो क्या होता, क्या झाड़ू दे पाती, बच्चे उस पर बिठा लेते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं ये चीज़ें सोच रहा था, तो सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि अगर मर्दों की दुम होती तो क्या होता। सोचने वाली बात है ना, सबसे पहले तो हम नापने में ही लग जाते, फिर शादी ब्याह का इशू हो जाता, फिर अलग मसला होता कि तुम लंबी है कि छोटी है कि नहीं है, कि कर्वी है या सीधी है, और फिर इशू होता उसके साथ कि आदमी उदास होता तो तुम नीचे होती। तो हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज होती है, तुमका एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता। शादी पे जैसे सेरा बनता है, शेरवानी बनती है, वैसे दुम की भी कोई चीज़ बनती है, दुमदानी बनती है। तुमका फैशन भी होता, कपड़े भी होते, अगर आप रिलीजियस हैं तो तुम छुपानी है कि दिखानी है, फिर दुम की शेव करनी है कि वैक्स करनी है, बाल होते कि नहीं होते, मसला ही मसला है जी। फिर क्या तुम के औकात भी होते हैं कि इतने बजे जो है सो के उठें तो ऐसी होगी, मुरझाई भी है तो सो सही से नहीं रहे, और आखिर में अगर किसी की दुम कट जाती तो उसको क्या बोलते, मेंढा। क्या ख्याल है हम लोगों का, बताइए सही कह रहा हूँ मैं? तो ये वहाँ आपको यहाँ पार्किंग लॉट से दिखा रहे हैं, ये दुकानें हैं बनी हुई उस तरफ स्ट्रीट के, ये फिर इन्होंने देखें क्रिसमस लाइटिंग की हुई है, नीचे प्रोमेनाड बनाया हुआ है, ये ट्रेन की पटरी जो मैं आपको बता रहा था, ये पियर की एंट्रेंस है यहाँ से, और ये दूसरा एंगल है पियर की एंट्रेंस का, बहुत खूबसूरत लगता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटें, ये हमारा कैनेडा का फ्लैग लगा हुआ है, और जो सामने आपको आइलैंड नज़र आ रहा है ये US है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, और देखिए अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने काफ़ी। तो अब यहाँ से आपको हम आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये सीढ़ियाँ आगे नीचे की तरफ जा रही हैं, अरे हाँ, ये सामने जो आपको ब्लू कलर की पेंटिंग ये दिख रही है, ये म्यूरियल्स जो हैं, ये वैंकूवर बहुत फेमस है, तो यहाँ पर आर्टिस्ट को अलाउ है कि वो साइड्स पेंट्स करते हैं, बहुत ऑल ओवर द वैंकूवर, ग्रेटर वैंकूवर एरिया इस तरह की आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने काफ़ी, ये देखें ये फल पौधे सब जो है काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, मुख्तलिफ कलर्स की लाइटें लगाने की, मैचिंग करने की, कंट्रास्ट करने की। ये एक छोटा सा इन्होंने वॉक वे पे टनल सा बना दिया है लाइट्स का, नीचे चल के देखते हैं कि क्या है सिचुएशन इसकी। यहाँ पे और लोग आए हुए, ठंड हो रही है काफ़ी। अच्छा जी, ये लोग खड़े हैं, इनको ज़रा जाने दें तो हम टनल में घुसते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, हवा अगर कम होती तो और अच्छा लगता। ये सामने क्या स्पेशल का साइन बनाया हुआ है, अच्छा, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है पैसिफिक ओशन का। तस्वीर खिंचाने की अच्छी जगह है। अच्छा खैर, हम टनल से बाहर निकलते हैं, ये मेरे सामने एक नज़र आ रहा है क्रिसमस का ट्री, लग रहा है कि उसको भी खूबसूरत सजाया हुआ है, ये देखें स्टार्स बनाए हुए हैं,
स्नोफ्लेक्स हैं या स्टार्स हैं, आई एम नॉट श्योर। हाँ, तो ये राइट पे ये जो रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे हम लोग आते हैं, लेकिन हलाल के चक्कर में हम लोग चिप्स या फिश एंड चिप्स खा लेते हैं। फिश भी वो भी जो बियर बैटर्ड नहीं हो, वरना कभी बैटर्ड में बियर मिला देते हैं तो वो नहीं खा सकते। तो नॉर्मली ये सजावन ही होता है बहुत है, तो यहाँ पे लोग वगैरह सब बैठे होते हैं। ये सामने देखें, ये वो इसकी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको। तो सूरज अगर निकला हुआ होता तो ये व्यू और भी बहुत खूबसूरत होता है। काफ़ी इन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। देखिए पियर दूसरी तरफ से नज़र आ रहा है, अभी नीचे चलेंगे तो ये प्रोमनाड बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ पे गर्मियों में और भी ज़्यादा लोग होते हैं, और इस तरफ जो है वो ठेले वाले केओस वाले खड़े होते हैं खाने पीने के लिए चीज़ें लेके, और काफ़ी भरा हुआ होता है। ये एक स्टैचू बनाया हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस मुझे नहीं पता आर्टिस्ट की, मगर ये कोई खातून है। ये देखें क्रिसमस ट्री आपको नज़र आ रहा है, और मुख्तलिफ डेकोरेशन इन्होंने बनाई हुई हैं। ये देखें कुछ तस्वीर खिंचाने का फ्रेम है, उस तरफ तक शायद नहीं जाऊँ मैं, इतनी हवा चल रही है। हाँ ये देखें ये खातून जो है, तो खैर चलें अब हम इस तरफ नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ, क्या कहते हैं प्रोमिनाट पियर की तरफ। तो ये देखें ये ट्रेन ट्रैक्स मैं आपको बता रहा था, तो ये वो है, और साथ में ये ओशन लग रहा है। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे थोड़ा है थोड़ा, लेकिन यहाँ से आप छलांग मार के नहीं जा सकते, आपको ये सीढ़ियों के थ्रू जाना पड़ेगा इस तरफ से। इसके जो लेफ़्ट साइड पर वो उन्होंने एक्सेस ऐसा बनाया हुआ है कि आप वॉक करके चले जाएँ। ये देखें सामने दरख्त वगैरह भी बहुत खूबसूरत सजाए हुए क्रिसमस के लिए, और यहाँ पानी की आवाज़ बहुत खूबसूरत आती है, यानी मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगती है। तो कभी हम बीच पे आ जाते हैं सिर्फ जो है वेव्स की आवाज़ सुनना है। देखिए लोग तस्वीर का कॉमन जगह है यहाँ पे तस्वीर खिंचाने की, और ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मैंने शायद नहीं लिया, मगर यहीं से नीचे उतर के हम सीढ़ियाँ पर नीचे जाके बैठ जाते हैं। छोटी सी स्पैन है लेकिन इसमें अच्छा खासा कभी हो जाता है। एक और चीज़ आपको बताऊँ कि हाँ कि पानी जो है अभी तो बिल्कुल चढ़ा हुआ है, लेकिन कभी क्या होता है कि ऑल द वे आप पियर के एंड तक नीचे वॉक करके जा सकते हैं, नहीं इतना पानी रिसीट किया हुआ होता है नीचे की तरफ होता है। तो जी ठंड बहुत है, हाथ जम गया, ग्लव्स भी नहीं लाया, ग्लव्स ले आता तो जो है थोड़ी देर और गुजार लेते हैं। अब यहीं से आपको दिखा देते हैं पियर। पानी की आवाज़ सुनिए, सामने जो ये लकड़ी का कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, पता नहीं नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है ना यहाँ से क्रैब फिशिंग और दूसरी चीज़ें करते हैं। और ये पीछे जो पत्थर बने हुए यहाँ पे आपको स्टार फिश और कीड़े मकोड़े और काफ़ी परिंदे वगैरह वहाँ पे आते हैं खाने पीने के लिए। तो बहुत अभी तो मैं नहीं जा रहा उस तरफ, लेकिन ये सारा ये देखें सामने US है, ये शायद बॉर्डर है। ये जो लाइटें जल रही हैं ये बॉर्डर की तरफ है शायद, लेकिन देखें कितना करीब है US। और यहाँ पर मेरे पास वो आ चुका है मैसेज रोमिंग अलर्ट का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट पियर। अब हम ये पियर से इस तरफ आ गए, ये सामने आपको वाइट रॉक जो सफ़ेद पत्थर रखा हुआ है, इस पे टाउन का नाम है। अब क्या हुआ था कि ओरिजिनल मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन ये वाला पेंट किया हुआ है, यानी इसका रंग उतर गया था इतनी बारिश और पानी, और उससे जो है तो सफ़ेद नहीं रहा। चलें जी घर की तरफ निकलते हैं। चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जी थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।